वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आज के वीडियो में मैं इस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ। ये है बायोटिक नेचुरल मेकअप मैजिक केयर ऑल डे फाउंडेशन, तो इसका रिव्यू करने वाली हूँ। इसको मैंने काफ़ी दिन पहले परचेज़ कर लिया था, पर मैं इसको अच्छे से यूज़ करना चाहती थी क्योंकि मेरी स्किन पर अभी भी सीसी क्रीम सूट नहीं करती हैं, तो मैं ये देखना चाहती थी ये मेरी स्किन पर सूट करता है कि नहीं। तो अगर आप ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं। इसकी पैकेजिंग की बात करें तो ये जैसे कि सारे प्रोडक्ट्स इसकी ऐसी सेम कलरफुल बॉक्स पैकेजिंग में आता है, ये भी वैसा ही है जो कि दिखने में बहुत ही क्यूट लगता है। और ये ऑल डे फाउंडेशन है, सारे स्किन टाइप्स वालों को ये सूट करता है। SPF 15 के साथ आपको मिलेगा जो कि UVA UVB प्रोटेक्शन देता है और ये आपकी स्किन को नेचुरली ग्लो देता है। इंग्रेडिएंट्स जैसे इन्होंने सारे प्रोडक्ट्स में हाइड करके रखे हैं, वैसे इसमें भी नहीं बताया हुआ है, कहीं भी नहीं दिया हुआ है कि ये किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। बस इन्होंने लिखा है कि ये विटामिन से, यूनिक मॉइस्चर लॉक फार्मूला प्लांट से, मिनरल से, ये सारी चीज़ों से ये मिलके बना हुआ है जो कि आपकी स्किन को फ्लॉलेस फिनिश देता है। ब्लेमिश को, डार्क स्पॉट्स को ये हाइड करता है, आपकी स्किन को ऑल डे स्मूथ बनाता है। और इसको अप्लाई कैसे करना है, तो डॉट डॉट करके आप इसको या तो ब्रश से या फिंगर टिप से या फिर ब्लेंडर से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो फाउंडेशन है इसका प्राइस 140 रुपीज़ है और आप इसको 2 साल तक यूज़ कर सकते हैं। 30 ml का एक पैक है, 4 शेड्स इसमें अवेलेबल हैं। ये जो शेड है ये सैंड है, 105 इसका शेड नंबर है। ये ऐसे पिंक पैकेजिंग में आता है जो कि बड़ा अच्छा लगता है। और इसके टेक्सचर की बात करूँ तो ये ऐसा टेक्सचर है इसका, देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, बहुत अच्छे से स्किन पे ब्लेंड हो जाता है। और इसकी फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो जैसे कि इसके सारे प्रोडक्ट्स की फ्रेग्रेंस है एक आयुर्वेदिक ऑयल जैसी, वैसे ही इसकी फ्रेग्रेंस है। तो अगर आपको फ्रेग्रेंस से प्रॉब्लम है तो इनके ये मैजिक या रेंज के प्रोडक्ट्स ना ही परचेस करें क्योंकि सबकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल सेम है। तो ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है आपके स्किन पर, आपको ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए अब मैं ये फाउंडेशन अपने फेस पर अप्लाई करके देखती हूँ। तो मैं अपने फेस का सारा मेकअप रिमूव कर लेती हूँ और फिर मैं इसको अप्लाई करके बताऊँगी। तो मैं ऐसे डॉट डॉट कर लूँगी और इसको फिंगर से आप ब्लेंड कर सकते हैं या फिर ब्रश की हेल्प से, ब्लेंडर ले सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ब्लेंडर से, ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है कि ये बहुत अच्छे से आपके स्किन पे ब्लेंड हो जाएगा, देख सकते हैं। और फेस आपका ग्लोइंग लगेगा, नेचुरली ग्लोइंग लगता है इसको लगाने के बाद आपका फेस, देख सकते हैं आप। कवरेज की बात करूं तो ये कवरेज बिल्कुल भी नहीं देता है, बस इसको लगाने के बाद आपका फेस ग्लो करेगा, एक नेचुरल ग्लो देता है, सच में देता है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको मेकअप करना भी है और ऐसा दिखना भी नहीं चाहिए कि कुछ किया है, तो नो मेकअप मेकअप लुक के लिए काफ़ी अच्छा है। और कुछ लोगों की स्किन टाइप ऐसी होती है कि कुछ भी लगाने के बाद बहुत ज़्यादा केकी लगता है, तो इसको लगाने के बाद आपका फेस बहुत ज़्यादा केकी नहीं लगेगा। या फिर आपने जो टेंटेड सनस्क्रीन देखे होंगे ना, वे ये प्रोडक्ट कुछ कुछ वैसा ही काम करता है, जो कि कवरेज नहीं देता बट सन से प्रोटेक्शन भी करता है, आपकी स्किन को एक ग्लो दे देता है, तो ये कुछ कुछ वैसा काम करता है। और एवरीडे यूज़ करने के लिए बहुत अच्छा है, अगर आपको स्कूल कॉलेज ऑफिस जाना हो तो आप इसको लगा के जा सकते हैं, पर किसी पार्टी फंक्शन में आप इसको यूज़ करेंगे तो ये वैसा काम नहीं करेगा। हाँ, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी है, स्किन टोन अच्छा है, स्किन टेक्सचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो तब शायद ये अच्छे से काम कर जाए।
ऑयली स्किन वाले इसको यूज़ करते हैं तो ये फेस को और ज़्यादा ऑयली नहीं बनाता है और ज़्यादा ग्रीसी नहीं बनाता है। हाँ, आपको कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट करने की ज़रूरत पड़ेगी पर उतना ऑयली ग्रीसी नहीं करता है। ड्राई स्किन है आपकी तो ड्राई स्किन वालों के लिए तो अच्छा ही है क्योंकि स्किन को मॉइस्चर भी देता है तो ड्राई स्किन पे अच्छा काम करता है। सेंसिटिव स्किन वालों को जो भी प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस होती है ऐसे प्रोडक्ट्स सूट नहीं करते हैं तो आई थिंक वो लोग थोड़ा सोच समझ के इसको यूज़ करें। और जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है मैं कहूँगी कि वो लोग यूज़ ना ही करें और अगर उनको BBCC क्रीम सूट करती है तो यूज़ करें क्योंकि मेरे स्किन पे ये सारी चीज़ें ये सूट नहीं करती हैं। ये BBCC क्रीम है जो कि ऐसी ही पड़ी हुई है वो सूट नहीं करती हैं, इसलिए मैं इसको इतने दिन तक लगा के देख रही थी। 2-3 दिन तक इसको लगाया तब ठीक है पर इससे ज़्यादा जब मैंने इसको लगाया तो आप देख सकते हो मेरे स्किन पर प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। तो अगर आपकी भी स्किन ऐसी है कि आपको जल्दी से प्रॉब्लम होती है स्किन पे तो आप सोच समझ के इस प्रोडक्ट को यूज़ करें। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करना है, बहुत ही मिनिमल मेकअप करना है या एवरीडे आप कुछ यूज़ करना पसंद करते हो उस टाइप की चीज़ें तो आप इसको बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ी सी भी कवरेज चाहिए तो आपके ये बिल्कुल काम का नहीं है, बिल्कुल भी कवरेज नहीं देता, फिर उससे अच्छा है ये आप BBCC क्रीम यूज़ करें या फिर और भी फाउंडेशन अवेलेबल हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं इसी रेंज में। और ये नेचुरल ग्लो देता है स्किन को, इसको लगाने के बाद स्किन बड़ी हेल्दी लगती है, ग्लोइंग लगती है, एक शाइन देता है पर ये कवरेज नहीं देता है। तो जिनको बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं जो उनको कवर करना चाहते हैं तो उनके लिए ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि ये वैसा काम नहीं करेगा। एक बात और, इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो कुछ देर बाद चली जाती है, या तो आप यूज्ड टू हो जाते हो या फिर सच में उड़ जाती है इसकी फ्रेग्रेंस, तो ऐसा कुछ समझ नहीं आता है। पर बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ऐसी फ्रेग्रेंस से इरिटेशन होता है तो वो इसको यूज़ नहीं करें। साथ ही साथ इन्होंने ये इंग्रेडिएंट्स नहीं बताए हुए हैं कि किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है तो ये भी एक इसका माइनस पॉइंट है। कम से कम ये तो बताना था कि जो चीज़ हम अपने फेस पे लगा रहे हैं तो क्या लगा रहे हैं, कैसा प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी बातें इसमें नहीं है। तो अगर आप अपने फेस पे एक नेचुरल शाइन चाहते हैं, ग्लो चाहते हैं, आप मेरा फेस भी देख सकते हो कितना ग्लोइंग लग रहा है इसको लगाने के बाद, तो ये ग्लो देता है बस कवरेज नहीं देता है। और मेरी एक्ने प्रोन स्किन है इसलिए मुझे सूट नहीं किया, पर अगर आपकी स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और आप इसको परचेस कर सकते हैं नायका से या फिर आप इसको बायोटिक की साइट से परचेस कर सकते हैं, और कहीं ये अवेलेबल नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से इसको वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। तो अगर आप इसको एक ट्राई देना चाहते हैं तो अगर आपका मन है तो आप इसको परचेस कर लीजिए, पर मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि इसको परचेस करना चाहिए क्योंकि इस प्राइस में आपको काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी जिसमें आपको ये कम से कम पता रहेगा कि वो किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। तो बिल्कुल आप ट्राई दे सकते हैं पर मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है तो मैं तो इसको यूज़ नहीं करने वाली हूँ। पर अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं, अगर ट्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू, आई होप आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो जल्दी से मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे। और आज का वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक